गुजरात चुनाव में भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंच पाई, लेकिन बीजेपी की कम हुई सीटों और कांग्रेस की बढ़ी सीटों से कांग्रेस नेता बेहद खुश हैं। कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा ही कुछ राजीव शुक्ला की बातों से दिखा। दरअसल आईपीएल के चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला रविवार को झांसी पहुंचे हुए थे। उनको अंदाजा लग गया है कि हमारा जो सबसे मजबूत किला और गढ़ था उसी में सेंध लग गई। अगर गुजरात में चुनाव का परिणाम होगा तो आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये हम उसका अंदाजा उन्हें लग गया। आसाम में उस समय उन्होंने एक गठजोड़ सबके साथ मिल के बनाया था। हमारी 15 साल से सरकार थी वहाँ पर, 15 साल का इनकमेंसी था और उसमें कई लोगों को मिला के वोट उन्होंने, सबको मिला के उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसको उनको सफलता मिली थी। लेकिन मणिपुर में तो कायदे सब जीते, गोवा में हम जीते थे, तो गवर्नर के जबरदस्ती सरकारें बना ली। अगर मोहम्मद प्यार आप गोवा में तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल हार गया, उसके बाद वो उन्होंने धीगा मुस्ती करके सरकार बने तो वो केंद्र सरकार में रहने का उन्होंने एक फायदा लिया जबरदस्ती। जनता का मत जो है गोवा में भी कांग्रेस का था, मणिपुर में भी कांग्रेस का था, और गुजरात के चुनाव का सही एनालिसिस आप करें तो वहाँ पे लोगों ने कांग्रेस का किया है इतना वोट लेना और इतनी सीटें जीतना, 100 के नीचे कहाँ 150 के दावे कर रहे थे कि 150 से एक सीट कमाई हम मानेंगे कि हम हार गए, यहाँ 100 के नीचे चलेंगे। तो शुक्ला जी, ये बात जो आपने कहा कि 2014 के बाद जो है परिवर्तन की है, तो क्या देश की जनता का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हुआ है? देखिए 10 साल हमारी सरकार थी और इन्होंने लोगों को बहुत झूठा गुमराह किया, जैसे 2G हंगामा करने से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, कितने लोगों से सबसे ने देश भर में बदनामी, पता चला जज ने 2000 बेंच का जजमेंट लेके कहा कि 2G में कोई घोटाला था ही नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी में था? बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए देश भर से। ऐसे आज तक 30 साल से वो फोर्स कर रहे, फिर कह रहे वो फोर्स की जात, आज तक 1 रुपए का आरोप साबित नहीं, उसमें भी कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। इनका काम था गुमराह करना। इन्होंने आपको पता हो चुनाव के पहले कहा कि आधार कार्ड जो है बहुत खराब है, अब वही आधार कार्ड को सही बता रहे। इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस बिल खराब है, उसको सही बता रहे। इन्होंने कहा मनरेगा बहुत खराब, उसको सही बता रहे। जितनी कांग्रेस की योजनाएं थी, जब कुर्सी बैठे ने समझ में आए कि सब सही योजनाएं थी, इन्होंने सबको अपनाया, अपनाना पड़ा इनको, तो क्या उसके पहले विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेस ये मानती है कि जो भी घोटालों की बात लेके भाजपा आगे बढ़ी वो समझाने में जनता को के प्रति जो है कामयाब हुई, वो आप उन्हें अपनी सही बात बताने में नहीं कामयाब हो पाए? कांग्रेस के नेताओं की दुष्प्रचार में जो है महारत नहीं है, दुष्प्रचार में हम भारत है, पाए फैलाने भारत है। साम जय और एम खान के साथ वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, झांसी।